लेसन वन का पढ़ेंगे। एक लेसन वन में एक पोएम है, छोटा सा पोएम है। क्या पोएम है? व्हाट डज द बी डू। डब्ल्यू एच ए टी क्या होता है? व्हाट। डी ओ ई एस क्या होता है? डज। टी एच ई क्या होता है? द। बी डबल ई बी 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 मीन्स होता है मधुमक्खी। बी ओ डू। तो ये पोएम का नाम है व्हाट डज द बी डू। मतलब इसका मीनिंग होता है बी मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी लोग ये पोएम में क्या कर रहे उसके बारे में इसमें दिया है। ठीक है, पोएम ऐसे मतलब पोएम को हम किस तरीके से पढ़ेंगे देखो। व्हाट डज द बी डू ब्रिंग्स होम हनी। व्हाट डज फादर डू ब्रिंग्स होम मनी। व्हाट डज मदर डू लेस आउट द हनी। व्हाट डज द बेबी डू ईट्स अप द हनी। इसको हम एक बार और अच्छे से स्पेलिंग करके पढ़ते हैं कि कैसे। व्हाट डब्ल्यू एच ए टी व्हाट डज डी ओ ई एस डज टी एच ई द बी डबल ई बी पी ओ डू व्हाट डज द बी डू। नेक्स्ट लाइन में बी आर आई एन जी एस ब्रिंग्स एच ओ एम ई हो एच ओ एन ई वाई हनी ब्रिंग्स होम हनी। ओके, नेक्स्ट लाइन डब्ल्यू एच ए टी वर्ड टी ओ ई एस डज एफ ए टी एच ई आर फादर टी ओ टू व्हाट डज फादर डू। नेक्स्ट लाइन ब्रिंग्स बी आर आई एन जी एस ब्रिंग्स एच ओ एम ई होम एम ओ एन ई वाई मनी ब्रिंग्स होम मनी। नेक्स्ट लाइन और डब्ल्यू एच ए टी वर्ड टी ओ ई एस डज एम ओ टी एच ई आर मदर डी ओ डू व्हाट डज मदर डू। नेक्स्ट लाइन और एल ए वाई एस लेस ओ यू टी आउ टी एच ई द एच ओ एन ई वाई हनी लेस आउट द हनी। नेक्स्ट लाइन डब्ल्यू एच ए टी वर्ड टी ओ ई एस डज टी एच ई द बी ए बी वाई बेबी डी ओ डू व्हाट डज द बेबी डू। ई ए टी एस ईट्स यू पी आर टी एच ई द एच ओ एन ई वाई हनी ईट्स अ द हनी। ऐसे पढ़ेंगे और उसको और अच्छे से मतलब पोएम का रूप से और एक बार पढ़ के देखते हैं। व्हाट डज द बेबी डू ब्रिंग्स होम हनी। व्हाट डज फादर डू ब्रिंग्स होम मनी। व्हाट डज मदर डू लेस आउट द हनी। व्हाट डज द बेबी डू ईट्स अप द हनी। इसको और एक बार मैं मीनिंग समझा के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, व्हाट डज द बी डू इसका मीनिंग होता है मधुमक्खी लोग क्या कर रहे ब्रिंग्स होम हनी। मधुमक्खी लोग क्या कर रहे हनी। हनी मीन्स होता है मद्रास। उसको उनके घर से उन लोग उसको ढो के ला रहे। ओके, नेक्स्ट लाइन में व्हाट डज फादर डू मधुमक्खी का जो वह फादर